हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के, दैट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन कैश ट्रांजेक्शन। ये डिस्कस करने से पहले आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता है, बट एक सेक्शन में, छोटा सा एक सेक्शन है, उसका एक ओवरव्यू आपको दूंगा। सेक्शन 48(3) इनकम टैक्स का क्या कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को 10,000 से ऊपर कैश में पेमेंट नहीं कर सकता। ये जो 10,000 की लिमिट है, ये पहले 20,000 होती थी, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 10,000। क्यों रिड्यूस किया गया? क्योंकि कैशलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए। अब मान लीजिए मैंने कोई एक्सपेंस इनकर किया, उसका मेरे पास बिल आ गया। अब वो मेरा बिजनेस का एक्सपेंस है, अगर उसका बिल अमाउंट 15,000 का है तो मैं कैश में 10,000 से ऊपर पे नहीं कर सकता। अगर मैंने 15,000 कैश में पे कर दिया तो वो पूरा का पूरा एक्सपेंस मेरा डिस अलाउ हो जाएगा वाइल कंप्यूटिंग माय बिजनेस इनकम। पेमेंट की तो बात करते थे, ठीक है जी, बट रिसीट की कोई बात नहीं थी इनकम टैक्स में। अब नाउ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज कैशलेस ट्रांजेक्शन एंड इन ऑर्डर टू मूव आर इकोनॉमी टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी एंड टू प्रिवेंट जनरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, अ सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड, दैट इज सेक्शन 269ST। एक नया सेक्शन आया इनकम टैक्स में, 269ST, जो रिस्ट्रिक्शन करता है कैश रिसीट के ऊपर कि कैश कितना किसी से ले सकते हैं। तो वो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज योर सेक्शन 269ST एंड सेक्शन 271DA। 271DA इज टू बी स्टडीड अलॉन्ग विद 269ST। 69ST के साथ साथ 71DA भी पढ़ा जाता है। अब क्या कहता है 269ST, पढ़िए। एज पर सेक्शन 269ST, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर, 2 लाख या उससे ज्यादा, तो 2 लाख भी आ गया और उससे ज्यादा का अमाउंट, अदरवाइज देन बाय एन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। बेसिकली क्या कह रहे हैं, कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS के थ्रू। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, सिंपल वर्ड्स में क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन किसी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि इनके अलावा क्या मीन हो सकता है, कैश हो सकता है या एक बियरर चेक हो सकता है। तो हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कैश ही बोल के चलेंगे कि 2 लाख या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। अब 2 लाख कैलकुलेट करने के लिए, 2 लाख की जो सीलिंग है उसको कैलकुलेट करने के लिए 269ST में 3 क्लॉजेज हैं। क्लॉज ए क्या कहता है, सेम पेयर इन अ डे। क्लॉज बी क्या कहता है, सेम ट्रांजेक्शन। एंड क्लॉज सी क्या कहता है, सेम इवेंट और ओकेजन। हाँ जी, सेम पेयर इन अ डे, सेम ट्रांजेक्शन और सेम इवेंट और ओकेजन, तीनों क्लॉजेस हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। 269ST(a) क्या कह रहा है, सेम पेयर, मतलब कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकता। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बिल्स दिए, 3 बिल दिए, बिल 1, 1,50,000, बिल 2, 1,30,000 एंड बिल 3, 1,20,000। ठीक है जी, 3 बिल्स थे, बिल 1, बिल 2, बिल 3, तीनों बिल 2 लाख से कम किए हैं। बट मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को एक ही दिन में इन तीनों बिल की पेमेंट कर दी कैश में। कितना अमाउंट हुआ ये हो गया जी 4 लाख रुपीज। तो मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को 4 लाख रुपए एक ही दिन में कैश में पेमेंट कर दी। अब शशि तो बोलेगा सर बिल तो अलग अलग है, बट क्लॉज ए क्या कहता है, सेम पेयर इन अ डे, एक ही दिन में एक ही पर्सन ने 2 लाख से ऊपर पेमेंट कर दी, तो क्या ये रिसीट पे 269ST अट्रैक्ट हो जाएगा? यस,
इस पे 269 ST अट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगी 269 ST की. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेम पेयर इन अ डे. अगला क्लॉज है 269 ST क्लॉज बी, वो क्या कहता है, सेम ट्रांजेक्शन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक बिल दिया जी 4 लाख रुपीज का. हाँ जी, कितने का बिल दिया, 4 लाख रुपीज का. अब पेमेंट कैसे कैसे आई, ये मान लीजिए 6 लाख रुपए है, ठीक है जी. डे वन में 2,20,000, डे टू में 2,10,000 एंड डे थ्री में बैलेंस अमाउंट आ गया, ठीक है जी. अब बिल तो एक ही है, ट्रांजेक्शन तो एक ही है, बट उसकी पेमेंट अलग अलग आ रही है. उसकी पेमेंट क्या आ रही है जी, अलग अलग आ रही है, कैश में ही आ रही है. अब ये नहीं बोल सकते सर एक ही बिल की पेमेंट ही और इसको हम अलग अलग डेज पे पेमेंट कर रहे हैं. अब ये हम 2 लाख के अमाउंट को जगह जरा 1 लाख कर दीजिए, 1,20,000, 1,10,000, 1,50,000, आप ऐसा एग्जाम्पल लेके चलिए. अब पेमेंट तो टूट टूट के आ रही है बट ट्रांजेक्शन तो एक ही है. तो इनकम टैक्स ने उस वाले क्लॉज को भी पकड़ लिया कि भैया ट्रांजेक्शन एक ही है, भले ही उसकी पेमेंट अलग अलग क्यों नहीं आ रही, उस पर भी 269 ST अट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये क्या था जी, सेम ट्रांजेक्शन, मतलब बिल एक ही है तो इसका मतलब सेम ट्रांजेक्शन की पेमेंट आप अलग अलग दिन पे भी करेंगे कैश में तो भी 269 ST अट्रैक्ट हो जाएगा. इज दिस क्लियर? हाँ जी. अगला क्लॉज आता है 269 ST क्लॉज सी. ये कहता है जी सेम इवेंट और ओकेजन मिस्टर एक्स मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स एक मान लीजिए वेडिंग प्लानर है, इवेंट प्लानर है, और मिस्टर वाई के सन की मैरिज है, बेटे की मैरिज है, ठीक है जी. टोटल जो मैरिज का खर्चा है वो आया जी 30 लाख रुपीज का, बट मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अलग अलग बिल दे दिए. कैसे बिल दे दिए कि 10 लाख लेट अस से रिंग सेरेमनी का बिल है, 11 लाख वेडिंग का बिल है और 9 लाख अदर फंक्शंस का बिल है, कोई भी पार्टी वगैरह. तो ये अलग अलग बिल दे दिए. अब इसकी पेमेंट कैसे आई कि 1,50,000 कैश में रिसीव हो गए, 1,50,000 रिंग सेरेमनी के कैश में रिसीव हो गए, 1,80,000 मैरिज के और कैश में ही रिसीव हो गए, 1,20,000 अदर फंक्शंस के. कुल मिला के पेमेंट कितनी आ गई, कुल मिला के तो ज्यादा पैसा आ गया, 2 लाख से ऊपर पैसा आ गया. बट इनकम टैक्स क्या कह रहा है, इनकम टैक्स कह रहा है कि आपने पेमेंट तो कर दी बट ओकेजन तो एक ही है. ओकेजन क्या है, मिस्टर वाई के बेटे की मैरिज. ये जो फंक्शंस है ये वाई के बेटे की मैरिज के लिए तो फंक्शन है, बट हमने लोगों ने क्या चलाकी करी कि जो टोटल अमाउंट था उसको अलग अलग बिल्स में तोड़ दिया. तो इनकम टैक्स ने इस ट्रांजेक्शन को भी रोका कि अगर सेम इवेंट और ओकेजन के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है, सेम ओकेजन और इवेंट के अगेंस्ट में पेमेंट हो रही है कैश में 2 लाख से ज्यादा की, तो उस पे भी 269 ST अट्रैक्ट हो जाएगा. क्लियर? बताइए, इज दिस क्लियर? यस सर. अब मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछूंगा. एक मेरा क्वेश्चन बनता है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बिल अमाउंट थे लेट अस से 30 लाख का ही. अब मिस्टर वाई ने पेमेंट करी है कैश में 1,50,000 की, इसको 30 लाख को डिवाइड कर देंगे, वही वाला एग्जांपल ले रहे हैं लास्ट वाला, रिंग सेरेमनी मैरिज फंक्शन और अदर फंक्शन वाला, वो सेम एग्जांपल है. अब कैश में 1,50,000 रिंग सेरेमनी के मिस्टर वाई से रिसीव हो गए और मिसेस वाई से कैश में रिसीव हुए 1,20,000 फॉर एंगेजमेंट. फॉर क्या जी, एंगेजमेंट. क्या इस पे 269 ST अट्रैक्ट होगा, बताइए जी, बोलिए क्या इस पे 269 ST अट्रैक्ट होगा. तीनों क्लॉज को देखेंगे दोबारा. सेम पेयर इन अ डे, क्या सेम पेयर है जी, नहीं. पेयर आप क्या हो गया, अलग अलग हो गए, एक मिस्टर वाई एक मिस्टर मिसेस वाई, दोनों पेयर अलग अलग हो गए, क्लॉज ए तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा. क्लॉज बी सेम ट्रांजेक्शन, क्या सेम ट्रांजेक्शन है,
बोलिए जी क्या सेम ट्रांजेक्शन है? जी नहीं, बिल्स तो अलग अलग हो गए हैं, सेम ट्रांजेक्शन की भी बात नहीं हुई। सेम इवेंट और ओकेजन है, बिल्कुल जी सेम इवेंट और ओकेजन है, बट सेम इवेंट और ओकेजन में भी पेयर सेम होना चाहिए। अब यहां क्या हुआ, सेम इवेंट और ओकेजन तो है बट उसके पेयर क्या है, डिफरेंट है। एक मिस्टर वाई है और मिसेस वाई है, तो इस पर 269ST विल नॉट बी अट्रैक्ट, 269ST अट्रैक्ट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? ओके जी, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में जनरली जो फ्रेम हुआ है, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, तीन बिल्स हैं, बिल वन 75,000, बिल टू 75,000, बिल थ्री 75,000 एंड बिल फोर भी कितना है जी 75,000 का। हाँ जी, अब मिस्टर वाई से कैसे कैसे रिसीव हुए हैं? मिस्टर वाई से डे वन में 1,50,000 एंड डे टू में 1,30,000 एंड एज सो ऑन। अब क्या इस पे 269ST अट्रैक्ट होगा? बोलिए जी, सेम पेयर इन अ डे, इन अ डे तो है ही नहीं, पेयर सेम है बट अलग अलग दिन पर ट्रांजेक्शन है, क्लॉज ए में नहीं फॉल करा। क्लॉज बी क्या कहता है, सेम ट्रांजेक्शन, क्या कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका बिलिंग अमाउंट 2,00,000 से ऊपर का है? क्या कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका बिलिंग अमाउंट 2,00,000 से ऊपर का है? आंसर इज नो, तो 269ST भी अट्रैक्ट नहीं होगा और 269ST सेम इवेंट और ओकेजन वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा, तो इस केस में भी 269ST विल नॉट बी अट्रैक्टेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये 269ST जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस सेक्शन है आज के टाइम में, कि कंफ्यूजन रहती कितना कैश किससे रिसीव कर सकते हैं और क्या क्या उसके प्रोविजंस हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने ये एक 269ST आपको समझाया है। अब इसमें क्या है, 269ST की जो रिस्ट्रिक्शन है किस पर अप्लाई नहीं होगी, गवर्नमेंट एंटिटी, कि कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है वो 2,00,000 से ऊपर कैश में रिसीव कर सकती है। ठीक है जी, कोई भी बैंक्स हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, ये सब 2,00,000 से ऊपर कैश में रिसीव कर सकते हैं, और कोई भी एनी पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट कोई भी अपनी नोटिफिकेशन के जरिए किसी पर्सन को नोटिफाई करती है, तो वो भी इस रिस्ट्रिक्शन में कवर नहीं होगा। ठीक है जी, सीबीडीटी का एक मास्टर सर्कुलर था, सीबीडीटी का एक मास्टर सर्कुलर था जिसमें क्लैरिफाई किया गया, क्या क्लैरिफाई किया गया, कि कोई भी पर्सन बैंक से जाकर या पोस्ट ऑफिस से जाकर 2,00,000 से ज्यादा कैश में विड्रॉ कर सकता है, उसके ऊपर 269ST अट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि 269 क्या कह सकता है, क्या कहता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से कैश में 2,00,000 से ऊपर रिसीव नहीं कर सकता। अब कंफ्यूजन क्या आती है कि हम अपने बैंक अकाउंट से 2,00,000 से ऊपर पैसा निकाल सकते हैं, तो इस कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला जिसमें बोला गया कि 2,00,000 से ऊपर बैंक या पोस्ट ऑफिस से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अब सिंपल भाषा में कहें तो सेल्फ चेक के थ्रू बैंक और पोस्ट ऑफिस में जाकर 2,00,000 से ऊपर कैश में विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है जी, हाँ जी सर, 269ST हमारे ऊपर लग गया मान लीजिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके लगने के बाद होगा क्या, 271DA की पेनल्टी इनिशिएट हो जाएगी। 271DA में क्या है जी, कोई भी पर्सन अगर 269ST के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है, 269ST के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, तो उसके ऊपर जितना भी पैसा उसने रिसीव किया है उसकी 100% पेनल्टी लग जाएगी। कितनी जी, 100% पेनल्टी, 100% पेनल्टी लगाई जा सकती है। मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने 2,10,000 रुपए कैश में रिसीव करे तो पेनल्टी अमाउंट कितना आएगा, पेनल्टी अमाउंट विल बी 2,10,000, मतलब पेनल्टी अमाउंट विल बी 100%। अब पेनल्टी खुद से कभी भी इनिशिएट नहीं होती, पेनल्टी के लिए एक पहले नोटिस भेजा जाता है, उसमें असेसी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि क्या कोई सफिशियंट गुड कॉज है, क्या वो अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैंने कैश में क्यों रिसीव नहीं हुआ। अगर वो रीजन जस्टिफिएबल है तो पेनल्टी वेव ऑफ कर दी जाती है। पेनल्टी कौन लगाएगा इस केस में, जॉइंट कमिश्नर। सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है जी, जॉइंट कमिश्नर के पास है पेनल्टी लगाने की। और कोई भी पर्सन, अगर आप सोचे कि असिस्टेंट ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, कोई भी पेनल्टी नहीं लगा सकता अदरवाइज देन बाय जॉइंट कमिश्नर। ठीक है जी, क्लियर हुआ सेक्शन? बताइए जी,
269 ST एंड 271 DA बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्लियर हुए आपको? हाँ जी। चलिए फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।